निकाली निकाली भैया निकाली। धन्यवाद। आज है 29th ऑफ मार्च। हर बार डेट भूल जाता हूँ, पता नहीं एक्चुअली क्या है मेरे को ना डेट देखने की आदत है अपने मोबाइल पे। और हम जा रहे हैं मालदीव्स बैंगलोर से। ये जर्नी होगी इंडिया टू मालदीव्स इन श्रीलंकन एयरवेज वाया कोलंबो। मजा आने वाला है इस वाले व्लॉग में। देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। एंड ये इंटरनेशनल ट्रिप है, आई थिंक 3rd या 4th इंटरनेशनल ट्रिप है मेरी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मालदीव्स जो है बहुत बहुत एक कॉमन डेस्टिनेशन है, बट बहुत एक्सपेंसिव भी है। बुकिंग वगैरह कैसे की वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट एनी वे अभी एयरपोर्ट एंटर करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। एंड मैं ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा हूँ, ठीक है। 1 बज गया, 3:30 की फ्लाइट है, लाइन भी लंबी लगी होगी। जैकलीन जी जो हैं श्रीलंका की हैं और अभी हम फिलहाल उन्हीं के एयरवेज में ट्रैवल कर रहे हैं। जो मालदीव्स है ना, मैप्स में देखोगे जूम करके तो आपको दिखेगा मालदीव। आप जाओ गूगल मैप्स में, श्रीलंका के नीचे जाओ एंड वहां जाके जब जूम करोगे तब आपको मिलेगा। जो कलर कॉन्ट्रास्ट आएगा मालदीव्स का वो आएगा थोड़ा थोड़ा ब्लूइश, ठीक है ना। जो मालूम था इनके काउंटर्स किधर हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था इनके साथ तो हाँ मुझे याद था। तो भाई 14 किलो का है सामान दे रहे हैं हम पीछे। तो अगर आप मालदीव्स ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ट्रैवल करने के पहले आपको एक फॉर्म मिलता है, वो आप ऑनलाइन वो फॉर्म निकाल सकते हो, मतलब मालदीव्स के एमएससी की वेबसाइट पर जाके वो फॉर्म भर लेना। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसका एक क्यूआर कोड मिलेगा आपको, तो क्यूआर कोड अपने पास रखना अगर जाओगे। जब आप वीजा ऑन अराइवल लोगे तब वो हेल्प में आएगा वो फॉर्म। द टर्म इज कॉल्ड इमूगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पे हूँ ना, बोर्डिंग पास ले रहा हूँ, तो उन्होंने यहीं पे पूछ लिया मुझसे कि इमूगा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं फॉर वीजा ऑन अराइवल। मिल गया है बोर्डिंग पास। इनका देने का तरीका काफी बढ़िया रहता है। मालदीव में बेसिकली एक जो मेन एयरपोर्ट है वो माले है, माले MALE, और करेंसी है रुफिया। करेंसी चाहो तो आप रुफिया कैरी करो अपने साथ, या तो आप कैरी करो USD। USD मुझे लेना था, अब शायद मैं मालदीव से ही करा लूँगा एक्सचेंज। एक रुपया की जो कीमत है वो है 5 Indian rupees, तो लाइक 1 rupee इज़ 5 INR। कई लोगों को डाउट होता है, तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ। इमिग्रेशन क्लियर करके, सिक्योरिटी क्लियर करके मैं आपसे मिलता हूँ गेट के उस पार। तो गाइस फाइनली इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गई। इमिग्रेशन में काफ़ी टाइम लगा, सिक्योरिटी में भी थोड़ा बहुत टाइम लगा, बट इतना चलता है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हुआ। एनीवे कमिंग बैक टू मालदीव्स, भाई साहब कहाँ कहाँ के लोग मालदीव्स नहीं जाना चाहते। एक और चीज़ बताऊँगा कि मालदीव जो है ना एक हनीमून डेस्टिनेशन है। जो भी लोग कपल्स देख रहे हैं भाई, उनके लिए तो इट्स अ ड्रीम। तो अभी मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख। अब आपको पता ही है कि अभी मैं आज लाइव भी आया था इंस्टाग्राम, एंड डाइट पूरी तरीके से कर रहा हूँ। और ट्रैवल के वक्त डाइट करना कितना ही कठिन होता है मैं आपको क्या बताऊँ। डाइट क्या होती है गाइस, एक प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब आप समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए ट्रैवल करते वक्त अपने आप को मेंटेन कर पाना। समहाउ आई मेक श्योर कि मैं अपना न्यूट्रिशन अपने साथ कैरी करूँ, अपना प्रोटीन अपने साथ कैरी करूँ। एंड खासकर अगर मैं माले जा रहा हूँ, वेज खाना तो है ही नहीं, और वेज खाने वालों के लिए तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने साथ रखी हैं ताकि मैं मालदीव्स में अच्छे से सर्वाइव कर पाऊँ। एंड कुछ कुछ तो अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको अपने साथ में क्या कैरी कर रहा हूँ। तो निकलने से पहले ना अपने पास ये वे प्रोटीन डाल दिया था अपने शेकर में, वे प्रोटीन ले लूंगा फ्लाइट के पहले। तो जब भी मुझे रात में भूख लगती है या फिर कभी कुछ खाने का मन करे ना, तो मैं बिग मसल न्यूट्रिशन का ये परफॉर्मेंस वे ले लेता हूँ। बेसिकली वे ऐसा नहीं है कि आपको पानी के साथ या दूध के साथ ही लेना, ये वे प्रोटीन यूज कर सकते हो कुकीज बनाने में भी, मतलब इसकी आप कुकी बना सकते हो, इसका केक बना सकते हो, एंड जब चाहो इनटेक कर सकते हो। तुम्हारा गेट है 31, सबसे लास्ट गेट है। अभी क्या हो रहा है, पिछले 3-4 महीने से मैं इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ इंटरनेशनल। पहले बैंकॉक गया, फिर दुबई गया, उसके बाद फिर मैं नेपाल गया, अभी मैं जा रहा हूँ मालदीव्स। आपको पता है कि शुरू से मेरी एक हैबिट रही है, मैंने सब कुछ दिखाया है बट मैंने जाके सिम नहीं ली वहाँ पे, जो मतलब लोकल सिम है मैं नहीं लेता था। तो भाई क्या हुआ कि मैंने वो इंटरनेशनल रोमिंग वाला पैक लिया जो 699 का होता है, वो एक दिन का होता है। एक दिन लिया, खत्म हो गया, दूसरे दिन लिया, फिर खत्म हो गया। ऑफ कोर्स मतलब 3 बार लिया, लगभग अराउंड 2100 रुपये लगे। मैं डर रहा था क्योंकि बाई चांस ऐसा ना हो कि मैं ना लूँ और बिल बहुत ज़्यादा आ जाए। तो पहली बार जो बिल आया मेरा लगभग 3000 रुपये का, मतलब जो मेरा 600 का है एक्चुअली, 700 रुपये का पैक है मेरा एयरटेल का। उसके बाद भाई मैं दुबई गया, मैंने फिर यही सेम चीज़ की। आप मानोगे गाइस, दुबई में मेरा बिल आया लगभग 4000 रुपये पूरे महीने का खर्चा इंटरनेशनल रोमिंग मिला के। मैंने सोच लिया कि भाई अब मैं जाऊँगा इंटरनेशनल ना, मैं लोकल सिम ही लूँगा, ज़्यादा खर्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट इस बार क्या हुआ, मुझे मालूम चला
अभी अभी कि मालदीव में जो सिम है अगर मैं जाके लूंगा तो मुझे लगभग $20 की मिलेगी, $20 to $25 की मिलेगी, जिसमें मतलब इंटरनेट वगैरह सब कुछ हो। क्या होता है एज अ ब्लॉगर आप चाहते हो कि भाई रील भी अपलोड करो, पोस्ट भी डालो, स्टोरी भी अपडेट करो, तो वो चीज होती है। फिर लगा कि यार अगर $25 की सिम है, $20-$25 की सिम है, अगर एयरटेल का कोई पैक है, 3,000 रुपए का कोई पैक है 2999 का, जिसमें आपको 2.5 GB मिलता है, 10 दिन के लिए वैलिडिटी है, 100 मिनट्स के इनकमिंग आउटगोइंग कॉल है, तो फिर मेरे को लगा कि चलो यार एक इंटरनेशनल रोमिंग पैक ले लेता हूँ, क्योंकि 2,500 की सिम लूंगा, इससे अच्छा 3,000 का अपना एयरटेल का ही हो जाए, तो नंबर भी बदलेगा नहीं और जो इंपॉर्टेंट कॉल्स आने हैं वो भी आ जाएंगे। फिलहाल मालदीव में सिम महंगी है ना, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, बट अगर आप कोई दूसरी कंट्री जा रहे हो तो मैं बोलूंगा कि भाई वहीं की लोकल सिम लेना, बिकॉज मैं बिल दे के पक गया हूँ, मतलब दिमाग खराब है मेरा इतना बिल दे के। तो मैं पहले बताता हूँ मैंने बुकिंग कहाँ से की। मैंने बुकिंग की है गोल टूर्स एंड ट्रैवल से। इन लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस है, बीच डेस्टिनेशन जो होती है ना, लक्षद्वीप, मालदीव, इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत प्रोफिशिएंट, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, तो इनके थ्रू मैंने बुकिंग की। अगर आप चाहो तो आप भी इनके थ्रू बुकिंग कर सकते हो। सारी डिटेल्स विद नंबर्स एंड वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो जो मालदीव की सारी सीरीज होगी, सारे व्लॉग एंजॉय करोगे आप, एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गोल टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो बहुत मजा आएगा आपको वीडियो में, क्योंकि इन्होंने जो जगह निकाल के रखी है, जो कंटेंट मेरे लिए बना के रखा है, भाई साहब एक नंबर है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए, जाओ तो कॉल कर लो अगर मन है मालदीव जाने का, बजट टूर भी करने का। अच्छा हाँ, ये बजट टूर भी देते हैं और लग्जरी टूर भी देते हैं, अगर आपका बजट कम है तो भी आप इंजॉय करोगे, बजट ज़्यादा है तो भी इंजॉय करोगे। मैं अपना पहले तो फ़ोन चार्ज कर लूँ। मुझे पता है कि कोलंबो एयरपोर्ट का हाल बहुत ही बुरा था लास्ट टाइम, क्योंकि सॉकेट भी नहीं थे, सॉकेट 2-3 थे वो भी नहीं चल रहे थे पूरे एयरपोर्ट में, सोचो। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो एक एडवाइस दूंगा कि जब तक फ्लाइट बोर्ड ना कर लो, पासपोर्ट अपने हाथ पे ही रखना, काम आता रहेगा, इसीलिए अंदर रख दोगे निकालना पड़ेगा। वो रहा प्लेन A320। हाय सर, फाइनली एंटर द एयरक्राफ्ट, मेरी सीट है 60, आई थिंक लास्ट वाली होगी, जो भी है, दिस इज A320। तो भाई ये बैग ऊपर डाल देते हैं और ये जो विंडो बोल के इमरजेंसी देते हैं, माह कसम ये बहुत बड़ा स्कैम लगता है मुझे। एनीवे सीट्स थोड़ी पुरानी है, बट अगेन द लेग स्पेस इज ह्यूज, और हमारे इंडिगो के प्लेन्स में तो इसकी आधी लेग स्पेस होगी, मैगजीन वगैरह सब कुछ दी हुई है। एंड दिस इज द इंटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट, सब कुछ वही है, विंडो शीट जो है थोड़ी सी पुरानी है, विंग के ऊपर है, नीचे का कुछ आने नहीं वाला, इधर से भी कुछ नहीं आने वाला। तो मैंने तो उनको बोला था कि मुझे चाहिए विंडो सीट, तो विंडो सीट तो दे दी। यहाँ पे ना हैंड रेस्ट होता है राइट पे, वो भी नहीं है, पता नहीं भाई, मैंने तो बहुत प्यार से मांगा था, लगता है वो गुस्से में थे, तो मुझे बिना हैंड रेस्ट वाली सीट दी। इट्स डाउन, ओके, गॉट इट। अच्छा, क्योंकि गाइस ये इमरजेंसी सीट है ना, इसका IFS यहाँ पे है, अब समझा, चलता तो है 100%, मैंने पहले श्रीलंका एयरवेज में ट्रैवल किया है, चलता है 100%, तो अच्छा। इसके बाद वाला जो प्लेन है ना हमारा, दैट इज A330, वो प्लेन बढ़िया रहेगा, जो कोलंबो से माले है, जो भी ये भी ख़राब है थोड़ा सा, हालांकि सीट की विड्थ अच्छी है, और अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो यहाँ पे USB पोर्ट दिया है, नॉट श्योर चलता है कि नहीं, फिर पिलाएगा लिहाज से, तो हाँ समझ गए ना। जैसे अगर आप कोई भी कैरियर की टिकट अप डाउन दोनों में लेते हो, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स है, अगर आप अप डाउन दोनों की ले रहे हो, दिल्ली दुबई, दुबई दिल्ली, तो आपको जो रेट मिलेगा कंपेरेटिवली पर सेक्टर बहुत कम मिलेगा, हाफ भी मिल सकता है, बट अगर आप एक कैरियर के ले रहे हो जाने के, आने के लिए कोई दूसरा कैरियर ले रहे हो, तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो मैंने किया है, मतलब लास्ट टाइम जब मैं दुबई गया तो एमिरेट में गया, आया कतर में, तो बहुत महंगी महंगी टिकट पड़ी, बट आई डेंट हैव अ चॉइस, क्योंकि मेरा कंटेंट ही कुछ अलग सा है, वैसा है कि मैं एयरलाइंस वगैरह भी रिव्यू करता हूँ, तो हाँ। बट आपको कह रहा हूँ, जैसे मैं अभी फिलहाल मालदीव जो है, आई एम गोइंग बाय श्रीलंकन एयरवेज, कमिंग बैक बाय श्रीलंकन एयरवेज। तो बोर्डिंग हो गई कंप्लीट, मेरे बगल में कोई नहीं आया, कोई भी नहीं है, अरे ये खुलता होता ना, माँ कसम में सो जाता गाइस, इतना थका हुआ हूँ, रात भर सोया भी नहीं। अब मैं आपसे मिलता हूँ आराम से टेक ऑफ के बाद। तो गाइस फाइनली वी टुक ऑफ, जैसी फ्लाइट उड़ी, और अभी हमारा जो है स्नैक आ चुका है, ये कोई पफ मिला है, लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था श्रीलंकन एयरवेज में तो भी पफ ही मिला, और ये एप्पल जूस मिला है, हालांकि मुझे पीना था मैंगो जूस, बट अभी एप्पल जूस है, तो ओवर थिंक मत करना, सुबह सुबह दारू नहीं पिलाएंगे किसी को, ट्राई करते इस पफ को, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, कुछ तो भरा हुआ है, नॉट श्योर, आई थिंक आलू है, जो भी है, मे बी कोई श्रीलंका की लोकल डिश होगी, कुछ तो बोलते होंगे उसको, बट टेस्टी है, 9/10, और जूस भी काफ़ी बढ़िया है। मैं ऐसी बस कुछ वीडियोस देख रहा था, मैंने डाउनलोड की थी, और डिसेंड होना शुरू भी हो गया है। वी आर इन श्रीलंका फाइनली कोलंबो, और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जब मैं लास्ट टाइम आया था कोलंबो, तो एयरपोर्ट कोई दूसरा था, जो बहुत ही
एवरेज था। तो मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, तो जो मालदीव्स है इज़ अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं अलग 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 अलग। जहाँ हम जा रहे हैं वो है थुलुस्तू, फिर मैं जाऊँगा दो दिन रुकूँगा वहाँ पे, दो दिन बाद मैं जाऊँगा कोई दूसरा आइलैंड, तो उसका नाम मैं आपको बता दूंगा। ये कोई लाउंज है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये। मुझे लग रहा था कि दूसरा एयरपोर्ट है बट वो एक्चुअली दूसरे गेट्स थे। तो मैं अभी बर्गर किंग आया, मेरे को मन था कोल्ड कॉफी लेने का। भाई साहब बर्गर देखो गाइस, चिकन वूपर $18 का $16 $15। तो ये है आइस्ड कॉफी जो मैंने ली है 500 रुपए की, $6 के लिए मैंने कार्ड से कराया ट्रांजैक्शन, 490 रुपए खर्च हुआ है मेरा। ये मिल गई मुझे आइस्ड कॉफी। लाइक आई हैव सम, व्हाट्स योर नेम? अमीर दनाल। सो हाँ, अमीर भाई से मेरी बातें हो रही हैं। तो आई टोल्ड अमीर भाई की मतलब इन इंडिया द बर्गर्स आर $2, तो ही वॉज नॉट बिलीविंग इट, ही डिड नॉट बिलीव, एंड वो उनको लग रहा था कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ नॉल। फिर मैंने गूगल किया एंड भैया को दिखाया, तो भैया बोलते हैं वाह मतलब सीरियसली, मतलब चिकन बूपर बर्गर जो था 180 रुपये का है ना, तो हाँ भैया को बिलीव नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अच्छा लगा आपसे मिलकर, नाइस मीटिंग है। तो मालदीव्स में ना वाइट बीचेस हैं, और ये वाइट बीचेस ना पैराडाइज लगते हैं। और आपको पता है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5% बीचेस हैं जो वाइट हैं, और उसमें से सोचो मैक्सिमम मालदीव्स में आते हैं। मालदीव धीरे धीरे सिंक भी कर रहा है, तो ये कुछ फैक्ट है, मतलब धीरे धीरे जो है वो पानी के अंदर धंसता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ मालदीव्स के पासपोर्ट की, पासपोर्ट जो रैंक है मालदीव्स का, दैट इज 62nd, इंडिया का 85th है। तो जो मालदीव्स का पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। सिक्योरिटी इज डन। तो यहाँ कैसा होता है ना सिस्टम कोलंबो में, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जस्ट बोर्डिंग करने से पहले होती है सिक्योरिटी। श्रीलंकन एयरलाइंस का A330 है, मैंने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया A330 में श्रीलंकन एयरवेज के। हाँ भाई ये जर्नी होने वाली कमाल की, 1.5 घंटे की फ्लाइट है, और यहाँ से आई थिंक अराउंड 750 किलोमीटर है माले, दैट इज मालदीव। गाइस बड़ी जोर के बाथरूम आ गया, ठीक है, सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद अंदर बाथरूम ही नहीं है। अगर आपको बाहर निकलना है तो वापस जाना पड़ेगा, फिर से पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा सिक्योरिटी का। बिजनेस क्लास वालों के लिए अलग लाइन है, मतलब अलग एरो ब्रिज है, और इकोनॉमी वालों के लिए अलग है। हाय, तो इस बार पहले वॉशरूम देख लो, साफ काफ़ी डिफरेंट है, और नीचे फ्लोरिंग थोड़ी डिफरेंट है, और मिरर के आगे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, और सोप डिस्पेंसर, टिश्यू पेपर, हाँ इसको रीड कर लेना, कुछ कुछ दिया हुआ है। तो फाइनली बोर्डेड द एयरक्राफ्ट। तो मेरी सीट है 26K, लेग स्पेस ऑनेस्टली इसमें कम है कम्पेयर टू जो मेरी पहले वाली फ्लाइट थी, बट इंटीरियर 1000 times बेटर। कॉन्फ़िगरेशन 242 A330 इकोनॉमी क्लास श्रीलंकन एयर, और इसका IFS तो आप समझ जाओ गाइस, एक नंबर लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड आई थिंक ये एडजस्टेबल भी है, इसको आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो चाहो तो, इसे स्ट्रेटेबल। 1.5 घंटे की फ्लाइट है, यहाँ पे मैगजीन होल्डर है, फुट रेस्टर भी दिया हुआ है, ये सीट जो है रिक्लाइन भी कर सकते हो, अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है। तो आपको याद होगा जो मैंने नेपाल एयरलाइंस में ट्रैवल किया, एयरक्राफ्ट के सेम कॉन्फ़िगरेशन हैं, टच स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे माई फ्लाइट सर्विसेज, ग्राफिक्स देखो कितने कमाल की दी हैं। पहले देखते हैं माई फ्लाइट, चाहो तो मैप वगैरह देख सकते हो, जैसे हमें मालदीव जाना है उसका मैप देख सकते हो, मतलब हमारा फ्लाइट रूट क्या होगा। बहुत बढ़िया यार, इसको देखते हैं, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत तगड़ा है इसका ग्राफिक, टच स्क्रीन एक नंबर है। यहाँ से हम फ्लाई करेंगे, देख लो एक बार, यहाँ से फ्लाई करेंगे एंड वी हैव टू गो हियर मालदीव्स। अब मालदीव्स के बारे में बताऊँ, इतने सारे आइलैंड्स हैं मालदीव्स में, एंड अगर आपको मालदीव्स के भीतर ट्रैवल करना है ना, तो या तो आप जेटी से करोगे या तो पब्लिक बोट से करोगे, प्लेन से भी, सी प्लेन भी चलते हैं मालदीव्स में एज अ टैक्सी। अगर मालदीव्स की बात करूँ मैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो लगभग 800 किलोमीटर है लेंथ, और विड्थ होगी 100 किलोमीटर। प्राइवेट वाले बहुत महंगे हैं, बजट करना है पब्लिक में रुकना, बट अगर आपको हाई बजट लेके चलना है तो हाँ फिर आप प्राइवेट आइलैंड्स में रुक सकते हो। कैमरास भी हैं, बहुत सारे एंगल्स होंगे इसमें, कैमरे के थ्रू आप प्रॉपर टेक ऑफ लैंडिंग देख सकते हो। जो स्नैक मिला था ना पहले वाली फ्लाइट में वही दे दिया फिर से, इनका फिक्स है लगता है गाइस, क्योंकि छोटी फ्लाइट है ना, छोटी फ्लाइट में इन लोग का स्नैक फिक्स रहता होगा। तो ये पफ मिला, ऑरेंज जूस मिला, फाइनली पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और भाई साहब देखते रहते हैं कितना दूर है। तो आई थिंक ये जो पफ है ना बिल्कुल सेम है जो हमको लास्ट फ्लाइट में मिला था, बट ट्राई करते हैं इसको एक बार, देखते हैं अगर कोई डिफरेंट है तो। क्रिस्पी है, बढ़िया है, ऑलमोस्ट रीचिंग माले, 20-30 मिनट में पहुंच जाएंगे। This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You
ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective. Finally we are in Maldives. भाई साहब इतनी गर्मी है इधर, अंदर एसी में आके ठीक लग रहा है। अभी इमिग्रेशन है, लाइन लंबी लगेगी यहाँ पे। इमिग्रेशन हो गया क्लियर, 2 मिनट लगे। मुझसे पूछा कि मैं रुक कहाँ पे रहा हूँ मालदीव्स में, तो मैंने अपनी बुकिंग दिखा दी। मेक श्योर कि अगर आप मालदीव से आ रहे हो तो आपकी बुकिंग मतलब होनी चाहिए कि जहाँ पे आप रुक रहे हो, तो वो बुकिंग दिखानी पड़ेगी। मुझसे पूछा, हालांकि वो फॉर्म के बारे में नहीं पूछा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में भरा था, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, भर लेना। तो एक बार मैं समअप कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। वीज़ा ऑन अराइवल है, रिटर्न टिकट करा लेना पूरी आने जाने की, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर लेना, जहाँ रुक रहे हो अकोमोडेशन की बुकिंग अपने साथ कैरी करना, बाय चांस नेटवर्क ना मिले तो इसलिए बस सेव कर लेना अपने मोबाइल में। बस अभी एयरपोर्ट से मैं जो है अपनी स्पीड बोट पकड़ूंगा। जैसे हमारे यहाँ पे स्पीड बोट सी प्लेन की पार्किंग होती है। वी आर आउट, अब ज़बरदस्त गर्मी, यहीं पे वेट कर रहे हैं हमारे फ्रेंड नबील, तो उनको मैं देख रहा हूँ किधर है वो। एंड ये है नबील जी, ये हमें रिसीव करने आए हैं। एंड अब हम जाएंगे अपने होटल। हर जगह आपको सिम मिल जाएगी, आप चाहो तो सिम ले सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 US डॉलर्स। तो जब 2500 फूकने ही थे तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं अपना ही इंटरनेशनल रोमिंग पैक दिलवा लूँ, तो वो बेटर है। एंड यहाँ से आप होटल्स बहुत सारे आइलैंड्स की बुकिंग कर सकते हो लाइन से। तो हाँ, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिसमें बहुत सारे रिसॉर्ट्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं। प्राइवेट बहुत महंगे हैं एंड पब्लिक जो है सस्ते हैं। लाइन से देखो भाई साहब, मैंने ना 500 रुपया निकाल लिया है, 500 रुपया, और INR में लगभग ये 3000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली है। और नोट की जो क्वालिटी है ना, मतलब आपको लगेगा आप कोई प्लास्टिक के पत्ते पकड़े हैं आपने, लेजिट प्लास्टिक लगेगा, मतलब अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी बढ़िया नोट लग रहे हैं। बट कैश की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, बिकॉज ज़्यादातर तो कार्ड यूज़ हो जाएगा। कई बार अगर कुछ लोकल कुछ खरीदना है ना, तब के लिए मैंने कैश रख लिया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने गोल्ड टूर्स एंड ट्रैवल से बुकिंग की, सारा कुछ मेरा अरेंज हो चुका है। सो एज ए ट्रैवलर मैं टेंशन फ्री हूँ। कभी मैंने इतना कम कैश निकाला बिकॉज मुझे पता है रिक्वायर्ड नहीं है, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपने हिसाब से पैकेज बनवा सकते हो। मैंने एक लिया है डाइट कोक, और ये पानी की बॉटल $9 की है, मतलब 740 रुपए की डाइट कोक और ये पानी, हेल एक्सपेंसिव। एक चीज बोलूंगा कि अगर मालदीव जा रहे हो तो हैट वगैरह ले लेना, फुल कपड़े पहनना। वो तो मैं अभी होटल जा रहा हूँ इसलिए हाफ कपड़ों में घूम रहा हूँ, और मैंने कुछ इतना हैट वगैरह लिया भी नहीं है, अभी रास्ते में ले लूंगा। सीरियसली 740 रुपए की ये दोनों चीजें। नबील भाई ने पे किया है, ठीक है, नबील भाई ने मुझे पे नहीं करने दिया, मैं उनको बोल रहा था नबील भाई प्लीज पे करने, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे गेस्ट हैं, तो हाँ। एंड अगर यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज बहुत मजा आने वाला है इस पूरी सीरीज में। इतना कमाल का नजारा लग रहा है, यहाँ का जो पानी का कलर है ना, इट्स एब्सोल्युटली ब्लू। तो मैं आ गया हूँ मेडिकल शॉप में, सनस्क्रीन खरीदनी है भाई साहब, बहुत ज़रूरी है, 4 दिन लगेगी। $14 की ली है ये बनाना बोट की सनस्क्रीन, $14, कन्वर्ट कर लेना, बहुत महंगी। कुछ तो $30 की थी, बिलीव करो कि $30 की सनस्क्रीन, बट बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लोगे तो स्किन की बैंड बच जाएगी। तो ये देख रहे हो ना सामने बोट, इसी में हम जाएंगे, हमारा होटल है कोरल इन, तो फटाफट बैठते हैं। एंड नबील भाई हमें यहीं छोड़ देंगे, इनको कुछ काम है माले में, तो वहाँ जाएंगे एंड मुझे यहाँ ड्रॉप कर देंगे भाई। तो ये सारा कुछ अरेंजमेंट मेरा पहले से ही है, ये बोट वगैरह ऑलरेडी बुक करनी पड़ती है, बट मेरे पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड है, मैं आपको पहले बता दूं। एंड ये स्पीड बोट है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है, वो काफ़ी स्लो होता है। ये पानी आपको लग सकता है कि ज़्यादा गहरा नहीं है, बट ये गहरा होता है। स्विमिंग नहीं आती तो इसमें गलती से भी मत उतरना। तो हमको लगभग लगेगा अभी 40 मिनट पहुँचने में, भाई उड़ाते हुए लेके जा रहा है गजब की स्पीड, मतलब जो आइलैंड हमको जाना है वो 40 मिनट दूर है यार। मज़ा आ गई भाई, मतलब गोवा हुआ में तो मैंने कभी ऐसी स्पीड बोट का कोई मतलब मज़ा नहीं लिया पास में। तो अगर आप मालदीव जा रहे हो एवरीथिंग हैज़ टू बी अरेंज। अगर यहाँ कहीं फंस गए ना या रह गए तो कोई ऑटो या ओला उबर कुछ नहीं है, फंसे रह जाओगे धूप में, तो हाँ एवरीथिंग हैज़ टू बी अरेंज्ड। अब हम जा रहे हैं हम अपने होटल। सो गाइस फाइनली हम अपने होटल आ गए, हैव दिस, थैंक यू, दिस इज कोरल इन। इतना ज़्यादा पीसफुल है कि कानों को पच नहीं रहा, बात समझ रहे हो। फाइनली अपने रूम आ गया, और रूम से अब नज़ारा देखो, ये नज़ारा मेरे रूम से है, यकीन मानो दिस प्लेस इज हेवन। आपको पता है मैं बैंगलोर से निकला हूँ कल रात को और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ,
एंड नाउ इट्स टाइम कि थोड़ा रेस्ट करा जाए. शाम को अराउंड 5:30-6 बजे हम निकलेंगे एंड कुछ कुछ जगह जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड वेरी एक्साइटेड. एंड दिस प्लेस इज अमेजिंग. डिटेल्स अगेन मैंने डाली हुई है GOL ट्रेवल्स एंड टूर्स की, जिन्होंने सारा कुछ ये अरेंजमेंट किया है. थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. और वाईफाई भी है आप, लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो. बाय.